फतियाबाद टैलेंट हंट में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। गौरी प्रथम, अनुष्का द्वितीय, अंकुर ठाकुर रहे तृतीय। आर्यभट्ट इंटरनेशनल के द्वारा कस्बा फतियाबाद में फतियाबाद टैलेंट हंट का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कक्षा एक से लेकर आठ तक के बच्चों ने भाग लिया, जिसमें पुरस्कार वितरण समारोह में बोलते हुए प्रभारी निरीक्षक फतियाबाद आलोक कुमार ने कहा कि जिन बच्चों ने आज प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया, उनको मैं बधाई शुभकामना देता हूँ, तथा जो पीछे रहे हैं आगे तैयारी करें और अपना स्थान बनाएं। आगे कहा है कि इस कार्यक्रम में बच्चे व बच्चियों उपस्थित, मैं कहना चाहता हूं कि बच्चे अपने साथ अच्छे बुरे व्यवहार को लेकर अपने माता पिता से जरूर बात करें, क्योंकि उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। मोबाइल का प्रयोग पढ़ाई के अलावा कम करें, आप हमारे देश के भविष्य हैं। अभी आपको मेहनत करनी है जिससे अपने उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। कार्यक्रम मैं विद्यालय के प्रबंधक अनुज दीक्षित के द्वारा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों में प्रथम स्थान पर गौरी गुप्ता, द्वितीय स्थान पर अनुष्का करसोलिया, तृतीय स्थान पर अंकित ठाकुर की घोषणा की, जिनको मुख्य अतिथि प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार तथा विद्यालय प्रबंधक अनुज कुमार व एपीआई संपादक संजीव शर्मा के द्वारा पुरस्कार व धनराशि भेंट कर सम्मानित किया। वहीं अनुज दीक्षित के द्वारा कार्यक्रम को लेकर सभी का धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन मैनेजर शिव कुमार शर्मा ने किया। कार्यक्रम में संजय शर्मा, महेश सिंह, विष्णु दीक्षित सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। एपीआई न्यूज के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अब आप लोग थोड़े बड़े, ये जुर्म आपका थोड़ा प्लस है। आप लोग बच्चियां, आप लोग ये ध्यान रखो लोगों की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कौन बोल चाल कैसा है, लोगों की भाषा शैली कैसी है, माँ पापा क्या कह रहे हैं, किनके साथ उठना बैठना है, उस सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो देखें कि बाहर बेवजह ना खड़े रहूँ, लोगों को बेवजह टोन कसना ये सब करना मतलब ही, तो एक बढ़िया सी जीवन शैली बनाइए, खूब पढ़िए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, समस्या किसी भी प्रकार की हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, अपनी मम्मी से, अपने पापा से जरूर बताएं। क्यों, आपके पास उसका हल नहीं है बच्चे, लेकिन उनके पास उसका हल जरूर होगा। उनके पास नहीं होगा तो वो हल ढूंढेंगे किसी तीसरे के पास, पर आपकी समस्या का समाधान अपने मन में रखकर अपने आप को परेशान मत कीजिए। सो यही मेरे छोटे छोटे सजेशंस हैं। बाकी जितना आपस में रैपिडली खेलेंगे, रैपिडली का मतलब होता है एक सवाल मैं करूँगा, एक सवाल आप करो, तो रैपिड होता है एक दूसरे का, जैसे अंताक्षरी खेलते हैं ना, लास्ट वर्ड पकड़ते हैं, पूछ पकड़ के खेलते हैं, आ से खत्म हुआ, आ से गाओ, ला से खत्म हुआ, ला से गाओ, इसका रैपिड क्वेश्चनिंग होती है आपस में। एक सब्जेक्ट रख लिया साइंस, जो चैप्टर्स रिवाइज हैं पाँच, पाँचों चैप्टर्स। मैं गौरी गुप्ता, संख्या एक घर में, आज प्रतिका जीत के आई हूँ, तो उसमें सात क्वेश्चन आए थे, मैं सारे क्वेश्चन सही करके आई हूँ, मुझे मैं फर्स्ट आई हूँ, मुझे गिफ्ट मिला। मैंने मिस कनिष्का शर्मा, आज कार्यालय पर प्रतियोगिता हुई थी, उसमें सात क्वेश्चन आए थे, उसमें मैंने दूसरी पोजीशन हासिल की है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय पर डेली एंड टेस्ट हुआ था, उसमें मैं थर्ड पोजीशन लाई है। कैसा लगा? अच्छा लगा है, सारे क्वेश्चनों के मैंने सवाल आंसर दिए हैं, थर्ड पोजीशन लाया हूँ। फतेहाबाद टैलेंट हंट सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर फतेहाबाद के लोगों का ज्ञान योग एपीआई न्यूज़ और आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। मुख्य भूमिका में रहे बच्चों का, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में भाग लिया। 50 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले बच्चों को हमारे मुख्य अतिथि के रूप में रहे प्रभारी निरीक्षक महोदय और अनुज दीक्षित जी ने सम्मानित किया और प्राइज दिए। प्रथम बच्चा गौरी गुप्ता, द्वितीय कनिष्का शर्मा और तृतीय अंकित ठाकुर। और जो बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेने से वंचित रह गए या विजयी नहीं रहे, वह निराश ना हों। इस तरह की प्रतियोगिता हम लोग अपने स्कूल की ओर से निरंतर कराते रहेंगे।